राष्ट्रवादी व कांग्रेस के द्वारा धनबाद परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरली मनोहर पांडे ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि पार्टी राजा पीटर जो पिछली दफा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें पिछले कई सालों से झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में रखा गया है, उनकी अविलंब रिहाई हो। साथ ही बताया कि राजा पीटर की रिहाई को लेकर पार्टी के वरीय नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रिहाई की मांग भी करेंगे। कल झारखंड में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें 17 जिला अध्यक्ष और 13 प्रदेश कमेटी के लोग शामिल हुए थे और 11 सूत्रीय कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। पार्टी का विस्तार कैसे होगा, सदस्यता अभियान कैसे चलाया जाएगा के साथ जो है, जो मूलभूत समस्या झारखंड का है पलायन, उसे कैसे रोका जाए, नौजवानों को यहाँ रोजगार कैसे मिले। सरकार में होते हुए भी मैं हेमंत सोरेन जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। किसी भी दफ्तर में चले जाइए तो लोगों, नौजवानों का एक ही कहना है कि जाति और निवास बनाने के लिए भी हमसे पैसा मांगा जा रहा है, यहाँ जो है इलाज के लिए कोई समुचित अच्छा व्यवस्था नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अगले महीने एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उनसे यह मांग करेगा कि झारखंड में जो है भ्रष्टाचार पे जो है अंकुश लगाया जाए। साथ ही में एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर के यह भी मांग करेगा कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा पीटर साहब हैं उनकी एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, वो 30-35 महीने से जेल में हैं और उनको न्याय दिया। तो आज अचानक से कैसे याद आ गया राजा पीटर साहब? नहीं, आज अचानक से याद नहीं आया, विधानसभा के चुनाव में पिछले 3 साल से बंद है, 3 साल में तो आपकी पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं किया राजा? नहीं, कार्यक्रम किया है। मैं पिछले जो है विधानसभा चुनाव में राजा पीटर साहब को तमाड़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, उस चुनाव लड़े थे। हमको आज अचानक राजा पीटर का याद नहीं आया है, हमको विधानसभा चुनाव के पहले भी याद आया, हमारे पार्टी में शामिल हुए हमारे नेता हैं, पूरा जो है हमने केस डायरी को पढ़ा है, लगा कि उनके साथ साजिश के तहत फंसाया गया है, उनको साजिश के तहत जेल में डाला गया है, इसलिए हम लोग उनकी लड़ाई शुरू की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कमर कसा है और हम तो मांग करते हैं, ये हमारा स्पष्ट मांग है कि यह